नमस्कार। आज जो कविता हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं, उसके रचयिता हैं पंजाब के सुप्रसिद्ध कवि पाश। जी हाँ, इसी नाम से जमाने वाले उन्हें आज भी प्यार और इज्जत से बुलाते हैं पाश। कविता का शीर्षक है अपनी असुरक्षा से। रचना को स्वर दिया है श्री कुलदीप सिंह ने। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हां के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मेरा मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज, जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझे थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, अगर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी के अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हड़ताल को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मर कर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, मेहनत राजमहलों के दर पर फुहारी ही बनेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। सुरक्षा से खतरा है। खतरा है।